हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इजी एंड यमी सी रेसिपी, जो कि हम बनाने वाले हैं बहुत ही झटपट से। और अगर आपके घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं है तो आप एक बहुत ही आसान तरीके से एंड बहुत ही इजी वे में इसे बना करके रेडी कर सकते हैं। और ये सब्ज़ी बनाने वाले हैं हम, जो मार्केट में पंजाबी तड़का का पैकेट आता है ना, बिल्कुल उसी से हम इस सब्ज़ी को बना करके रेडी करने वाले हैं, और बहुत ही यूनिक तरीके से। तो चलिए, वीडियो में देरी ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने इस तरीके से लिया हुआ है पंजाबी तड़के के 3 से 4 पैकेट, और उसके बाद हम इसका यूज़ करने वाले हैं अपनी इस रेसिपी को बनाने के लिए, जिससे कि एक बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी, जिसे आप रोटी या नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई, और उसमें डाला है ऑयल, और ऑयल गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा, और 1 चम्मच ही मस्टर्ड सीड का मैंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 से 2 प्याज को इस तरीके से चॉप करके फाइनली चॉप कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर ऐड कर दिया। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया अदरक लहसुन एंड मिर्ची का पेस्ट, और उन्हें मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, और इस तरीके से स्टर करते हुए हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो हमारे अदरक लहसुन एंड मिर्ची का पेस्ट है वो अच्छे तरीके से भून जाए। और साथ ही मैंने यहाँ पर पके हुए 1 से 2 टमाटर लिए हैं, जिन्हें इस तरीके से मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और इसे भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, ताकि टमाटर जो है इतना सॉफ्ट हो जाए कि एकदम ग्रेवी जैसी कंसिस्टेंसी का दिखने लगे। तो टमाटर सॉफ्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच नमक, जिससे कि टमाटर फटाफट से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, टमाटर जो है ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, यानी कि कश्मीरी मिर्च, जिससे कि इसका कलर जो है वो बहुत ही यमी आएगा। साथ ही इसमें गया 1/2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इन सब को डाल करके मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लूँगी, ताकि टमाटर, प्याज एंड जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं वो सभी अच्छे से इक्वली बैलेंस हो जाए और अच्छी तरीके से भुन जाए। तो ये देखिए, इसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है, और हमारा जो ग्रेवी है वो भी रेडी हो चुका है। और मैंने यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डाल दिया है 1 कप पानी। तो 1 कप पानी इस सब्ज़ी को बनाने के लिए एकदम बेटर है। तो यहाँ पर देखिए, 1 उबाल आ चुका था, तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 पंजाबी तड़के के पैकेट को खोल करके यहाँ पर इन सेब को ऐड कर दिया है। तो इस सेब की सब्ज़ी को बनाने के लिए आपको ना ही सेब बनाने का झंझट है, और ना ही कुछ भी करने का झंझट। आप फटाफट मार्केट से इस तरीके का पैकेट लाइए, और इन्हें बस 5 से 6 मिनट में सब्ज़ी को बना करके रेडी कर सकते हैं आप। और लास्ट में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है चुटकी भर गरम मसाला, और बस हम इन्हें रख देंगे। बस 2 मिनट के लिए हम इसे इसी तरीके से इसमें बॉईल आने देंगे, यानी कि 1 उबाल आने के बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है हरी धनिया पत्ती, यानी कि कोरिएंडर लीव्स, और आप देख सकते हैं सब्ज़ी जो है वो देखने में कितनी यमी लग रही है। और इससे आप रोटी हो या नान हो या कुलचा हो, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसे मैंने कुछ यूनिक तरीके से प्रेजेंट किया है, जिससे इसकी लुकिंग और भी देखने में टेम्पटिंग लगे। तो आप देख सकते हैं कितने कम सामान से और कितने कम समय में हमारी जो इतनी बढ़िया सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। तो घर में कोई सब्ज़ी ना होने पर आप इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।